आज बनाते हैं चिल्ली पटेटो इसके लिए मैंने आलू दो घंटे पहले काट के रख दिए थे अब इन्हें कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ कर लिया है आप मोटे पतले काट सकते हैं अब इसमें मैं एक अलग बाउल लिया है इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है कॉर्नफ्लोर इतना और रेड फूड कलर कॉर्नफ्लोर इतना डालिए जिससे कि कोटिंग अच्छे से हो जाए आलू ऊपर तो आलू का मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए नमक आपको आलू में नहीं ऐड करना है नमक ऐड करेंगे तो पानी निकल जाएगा तो आप बस इसी तरीके से जितने आपके बाउल में आते हैं उतने आप डाल लीजिए और कॉर्नफ्लोर अपने हिसाब से अंदाज से डालिए मैंने तकरीबन चार पाँच टेबल स्पून डाला है एक कढ़ाई में अच्छे से ऑयल काफ़ी गर्म कर लिया था अब डालते ही मैं इन्हें नहीं हिलाऊंगी दो तीन मिनट बाद इनको एक चलाऊंगी अच्छे से और ऑयल आपको इतना मेंटेन रखना है टेम्परेचर कि ऑयल ठंडा ना हो और ज़्यादा भी हीट ना हो क्योंकि ऐसा ऐसा करने से ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं पकेंगे तो बस ये ऐसे ही करके मैं दो बैच में सारे तैयार कर लिए हैं मैंने निकाल लिया है इन्हें अब आप चाहें ऐसे भी चिल्ली पटेटो बना सकते हैं लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्रंची चाहिए तो मैं वापस उसी कढ़ाई में मैंने फिर से इनको अच्छे से डीप फ्राई कर लिया है तो इन्हें डीप फ्राई फिर उसके बाद मैंने मसाला लिया है मसाले में प्याज लिए है शिमला मिर्च लिए हरी मिर्च लिए लहसुन अदरक लिया है पेस्ट तो और फिर अलग से एक कढ़ाई ली उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला और उसमें मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च डाल दी है फिर मैं शिमला मिर्च और प्याज को भी ऐड कर दूँगी जो कि दो तीन मिनट के लिए आपको अच्छे से फ्राई करना है फिर हम इसकी बनाते हैं सॉस तो सॉस बनाने के लिए मैंने चार टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है एक दो टेबल स्पून मैंने आ, सोया सॉस लिया है एक टेबल स्पून भरकर सोया सॉस लिया शेजवान सॉस लिया है ग्रीन चिल्ली सॉस लिया है दो टेबल स्पून भरकर और फिर मैं इसमें लूँगी टमेटो सॉस टमेटो सॉस दो से तीन टेबल स्पून भर कर लिया है फिर आप इसे पतला सा एक पेस्ट बना लीजिए और विनेगर भी डाला है एक चम्मच अब आप इसे डाल दीजिए अच्छे से पतला घोल बनाना है आपको ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है बस इसे डाल दीजिए तेल डाल दीजिए आप फिर आप जो आलू आपने फ्राई किए हैं उन्हें डाल दीजिए बस बत तैयार हैं आपके चिल्ली पटैटो तीन चार मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हाई टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से फ्राई कीजिए और काली मिर्च पाउडर डालिए नमक इसलिए नहीं डाला है हमने क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है तो तैयार हैं हमारे चिल्ली पटैटो घर आए मेहमान को खिलाइए बच्चों को खिलाइए सभी को खुद भी खाइए और बहुत आसान तरीके से बिल्कुल हाइजीन फ्री और बिना मेहनत और झंझट के